हिमाचल सरकार द्वारा बीबीएन को नगर निगम बनाने की कवायद क्या शुरू की, जिस कारण दून विधानसभा क्षेत्र व नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोविड-19 के कारण सुस्त पड़ी राजनीति फिर उफान पर शुरू हो गई। दोनों विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के नेताओं ने हिमाचल सरकार के साथ साथ भाजपा के नेताओं को घेरना शुरू कर दिया। इसके चलते कांग्रेस के प्रदेश महासचिव व दून के पूर्व विधायक राम कुमार ने एक प्रेस बयान जारी कर हिमाचल सरकार द्वारा बीबीएन को नगर निगम बनाने की कवायद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यहां पर उद्योग तो जरूर स्थापित हुए हैं, लेकिन यहां के स्थानीय लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन व कृषि है। नगर निगम कारपोरेशन बनने से यहां के लोगों को अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने स्थानीय भाजपा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण दें। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बीबीएन को नगर निगम बनाने का निर्णय लोगों पर जबरदस्ती थोपा तो सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और निर्णय के खिलाफ मामले को लेकर न्यायालय में जाएंगे। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता थी, उसका मुख्य मुद्दा था कि हमारे बीबीएन क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश सरकार बड़ा नगर निगम घोषित करने की तैयारी में है। इन्होंने चुपगुप तरीके से बिना किसी भी चुनिंदे आदमी को, पंचायत को और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में बिना लिए इस मामले को जो है वो उन्होंने एक तरह से अमली जामा पहनाने की बात की है, जिसमें 6 अगस्त 2020 को यूडी डायरेक्टर ने उपायुक्त महोदय सोलन को एक चिट्ठी लिख के इसकी प्रस्तावना की है, इसका पूरा खाका तैयार करके सरकार को भेजा जाए, जिसमें अभी जो परसों मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें ये साफ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि नई पंचायतों और नए नगर निगमों को गठन की मंजूरी कैबिनेट ने भी कर दी है। पर परसों ये सोलन की खबर है 12 तारीख की, जिसमें बीबीएन बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम, जिसमें दो नगर परिषदें नालागढ़ और बद्दी और 16 जो पंचायत हैं वो दून क्षेत्र की हैं, 21 पंचायत नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की हैं, कुल मिलाकर 69 पंचायत का हमारा उपमंडल ब्लॉक है नालागढ़ का, जिसमें से 45 पंचायतों को ये इसमें शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाएगा। क्योंकि हमारा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ शहरी क्षेत्र नहीं है, इंडस्ट्री जरूर लगी है और वो भी पूरे क्षेत्र में लगी है, करीब ये 40 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र है और इसमें नगर निगम का गठन करना मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। और हमारे क्षेत्र के लोग टोटली जो है वो दूध का कारोबार करते हैं, नगर निगम के गठन से मैं समझता हूँ कि पशु टैक्स भी लगेगा और शायद पशु रखने में भी रिस्ट्रिक्शन ना लग जाए, ऐसी मेरी आशंका है क्योंकि एक्ट मैंने भी पढ़ा नहीं है। और घरों पे टैक्स लगेगा, मकानों पे टैक्स लगेगा, पानी पे टैक्स लगेगा, एक तरह से हमारा जो जिम्मेदारी एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसमें टैक्सों की भरमार जो है वो लग जाएगी। और मैं आपको एक और चीज के लिए करना चाहता हूँ कि ट्राइबल एक्ट के अनुसार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल है उसके अनुसार ये नगर निगम का गठन हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जिनमें पिछले चुनाव में स्टूल ट्राइब के नाम से रिजर्वेशन हुई है और पीसा एक्ट 1996 के तहत आप स्टूल ट्राइब की पंचायत का राइट्स जो है वो सरकार नहीं ले सकती है, उससे पहले रायशुमारी करना जरूरी है, एक्ट में प्रावधान करना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूरी है। तो इसके लिए अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। तो मैं अपने लोगों की रक्षा के लिए और संवैधानिकता के खिलाफ अगर कोई काम सरकार करेगी उसके विरुद्ध जो है वो हम अपना पूरा एजेंडा लेके इसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और जहां तक हो सके इसका जो है वो हम लोगों को साथ भी मिलाएंगे। अभी धारा 144 क्षेत्र में लागू है, इस वजह से ज्यादा लोगों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से 2-3 दिन के बाद जो है बड़ी प्रेस वार्ता हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों को लेके मैं करूंगा।
तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि इससे पहले हमारे जो पंचायत है उनका एनओसी लें, जबकि एक छोटी सी पंचायत का एक वार्ड को दूसरी पंचायत में मिलाने के लिए जिस पंचायत में उसको मर्ज करना है और जिस पंचायत से उस वार्ड को हटाना है, दोनों की एनओसी जो है मैंडेटरी है। तो इतना बड़ा खाका तैयार कर दिया नगर निगम का, लोगों को भनक तक नहीं आई। ये चिट्ठी भी मुझे किसी मेरे मित्र ने व्हाट्सएप पे भेजी है, उस चिट्ठी को मैंने 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी वायरल किया था और छोटी सी न्यूज लगी उसमें, पंजाब केसरी ने गलत लिख दिया कि मैं समर्थन करता हूं, जबकि मैंने ये लिखा था कि सरकार के उस फैसले का मैं समर्थन करता हूं, जो बीबीएन के डेवलपमेंट में जो है वो कोई फैसला होगा उसका मैं समर्थन करता हूं, वो तो मेरा फर्ज बनता है, लेकिन बीबीएन के जनता के खिलाफ कोई ऐसा फैसला होगा तो उसका मैं विरोध करूंगा। ये भी एक विरोध की बात है, हमारे लोगों में बहुत बड़ी रिजेंटमेंट इसकी है। हमारे पंचायती राज एक्ट में जो मनरेगा लागू हुई है जिसके तहत हजारों लोगों को रोजगार मिला है, वो हमारा खत्म हो जाएगा और बहुत तरह की ऐसी चीजें जो हैं वो एक पढ़ने भी पता चलेंगे कि शिमला कॉरपोरेशन का एक्ट हमारे यहाँ लागू होगा तो उसको हम कदापि लागू नहीं होने देंगे, हम उसका विरोध करते हैं। और मैं यहाँ के स्थानीय विधायक से भी चाहूंगा कि वो अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट करें, मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे इनके लोग बेवजह लोगों को जो है वो कह रहे मुख्यमंत्री से बात हो गई, जबकि मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार स्थानीय विधायक के कंसेंट के बिना इतना बड़ा एक्शन जो है वो नहीं करती है, तो उसमें विधायक ने अपनी कंसेंट जरूर दी होगी, अगर दी है तो लोगों को बताएं, अगर नहीं दी है तो विरोध में तब सरकार के खिलाफ है, तब भी वो मीडिया पे और अपना प्रेस नोट जारी करके लोगों को अपनी स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि विधायक जो है विधायक का बड़ा रोल इस चीज में रहता है। धन्यवाद सर। नगर निगम बढ़ने से क्या मुख्य हानि होगी, क्या लोगों को क्या इफेक्ट पड़ेगा ज्यादातर? मैंने जैसे बताया कि टैक्सीज जो है वो लोगों को मार पड़ेगी और ग्रामीण क्षेत्र में जो है इस तरह की इसको नगर निगम को लागू करना मैंने समझता ठीक होगा, क्योंकि गांव के लोग एक वार्ड पंच के पास जाएंगे काम करवाने के लिए, पंचायत के माध्यम से जो हमारे काम होते हैं वो नहीं होंगे, छोटे छोटे कामों को जो है को जो हमारा मेंबर बनेगा वहां से पार्षद बनेगा उसका एरिया बड़ा लंबा होगा तो उसको उसके पास हर आदमी की पहुंच नहीं होगी। हमारे लोग जो है गांव में वार्ड बंदी होती है, वार्ड में वार्ड पंच के माध्यम से अपनी पंचायत में अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं तो वो सब चीजें संभव नहीं रहेंगी, उससे लोगों को जो है वो समस्या आएगी। सर हिमाचल में एक 118 का नियम लागू है, क्या नगर निगम बनने के बाद वो नियम इफेक्ट करेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, अगर नगर निगम बनता है तो हमारे यहाँ 118 की भी उल्लंघना होगी, क्योंकि लगभग 2-2.5 हजार उद्योग यहाँ काम करते हैं, लाखों लोग यहाँ बाहरी लोग हैं, हम ये नहीं कहते कि उनका हम विरोध करते हैं, लेकिन उनको 2 हिस्सा भूमि 118 के माध्यम से लेने का प्रावधान पहले भी था अब भी है। नगर निगम के बनने से कंस्ट्रक्टेड एरिया सीधे तौर पर उनका नाम हो जाएगा और उनको 118 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सरकार ने अपना निर्णय नहीं बदला तो कांग्रेस पार्टी और आप किस हद तक आंदोलन करेंगे, क्या रूपरेखा? उसका हमारा स्टैंड रहेगा कि हमारे नालागढ़ क्षेत्र की ज्यादा पंचायतें हैं, हम विधायक नालागढ़ से भी सलाह करेंगे तो लोगों से राय करके, अगर लोगों ने कहा कि हम कोर्ट जाएं, हम हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको बताया कि पीसा के तहत जो है वो हम इसको